ये कैंसर जो है, आपने अभी बयान किया कि एक स्टिग्मा होता है, हम जानना चाहेंगे कि जब आपको पता चला कि ऐसा है, क्या चल रहा था आपके मन के अंदर? सर एक्चुअली वर्ल्ड कप से एक महीना पहले वी वर प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका जी, और रात में सो के उठा तो थोड़ा म्यूकस निकला, सो इट वाज रेड कलर। उसके बाद अगले दिन मैच खेला तो मैच में भागने में दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रहा था, तो मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि फिजियो से बोला कि मेरे को लेफ्ट साइड से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने बोला कि हम सीरीज के बाद चेक करेंगे। सीरीज के बाद सर वर्ल्ड कप का कैंप शुरू हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में था, सेहत खराब हो गई और, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, मेन एम वो था कंट्री को जिताना, और इंडिया में इतने सालों बाद हो रहा था प्रॉब्ली तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप, सो आई थिंक बहुत से मोटिव इन्वॉल्व थे जो जान से भी ज़्यादा प्यारे थे, सो आई थिंक इन चीज़ों को आगे रख के आई थिंक हैड टू मूव फॉरवर्ड। बट कब आपको पता चला कि अब दिस इज ए डिजीज और आपको इसके साथ जूझना पड़ेगा? आई थिंक सर एक्सेप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट हैपेंस इज के जब आपको बड़ी बीमारी होती है आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एज एन एथलीट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट। जब आप 6 घंटे 8 घंटे रोज खेल रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको ऐसी चीज हो सकती है। उस चीज से भाग रहा था, खेलना कंटिन्यू किया, सेहत और खराब हो गई, तो इवेंचुअली डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अभी अपना इलाज कराने नहीं जाएंगे तो आपका बचना नामुमकिन। कैसे पता चला कि कैंसर है? सर पहले स्कैन कराया था, 14 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकला चेस्ट और लंग के बीच में, सो आई थिंक उसके बाद मुझे ये बात सही नहीं लगती डॉक्टर्स की, मुझे लग रहा है डॉक्टर शायद झूठ बोल रहे हैं क्योंकि खेलने का इतना मन था, तो इस बात को निगलेक्ट करता गया, पर ऑब्वियसली गेम भी खराब हो गई, सेहत भी खराब हो गई, तो कोई चारा नहीं बचा फिर जाके इलाज करवाने का। आई थिंक पब्लिक में एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होती है, सो आई जस्ट फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि मैं पब्लिक में आके बोलूँ कि मैं इस चीज से लड़ रहा हूँ पॉजिटिव, एंड आई थिंक रिस्पॉन्स वॉज अमेजिंग कि मुझे इतनी सपोर्ट मिली। युवराज, मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा समय होता है जब सब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, और इसके साथ जूझना ये आपकी ताकत थी, आपके अंदर एक दृढ़ता थी कि मैं इसके साथ लड़ूंगा। वेल डन युवराज, ऑल द बेस्ट टू यू।